तो अभी हमारे साथ है अनवर हुसैन, जो अभी हाल ही में जिसने यूपीएससी क्रैक किया, क्वालिफाई किया है। तो अनवर साहब, आप थोड़ा बताएं कि आपका तहरी कैसा रहा, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ऐसे एसडीएम आप यहाँ पे काम कर रहा था, तो उसके बावजूद भी आपने जो है यूपीएससी क्रैक किया और क्वालिफाई किया, तो क्या कहना चाहते हैं अपनी तैयारी के बारे में? थैंक यू बशारत मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक जिससे मैं लोगों तक पहुंच सकता हूँ। ये था कि प्रिपरेशन मैंने मास्टर्स के बाद स्टार्ट किया था, क्वाइट लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूँ वहां पे हमारे लिए बहुत सारे रोल मॉडल्स नहीं थे या इतना एक्सपोजर नहीं था कि किस क्या चीज आपको एज ए प्रोफेशन चूज करना है। तो ये यूपीएससी एज ए प्रोफेशन मेरे लिए बहुत लेट आया था, पर जब मैंने एक बार तैयारी स्टार्ट किया तो मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, वो हर किसी के लाइफ में आते हैं, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे। पर एक 2019 में जब मेरे प्लान बी भी था, तो मेरा जेके केएस में हुआ, फिर मैं एज ए एसडीएम काम कर रहा हूँ अभी द्रास में। तो वो चीजें जब आप देखते हो क्लोजली एडमिनिस्ट्रेशन को, आपको लगता है कि आप हायरार्की में आगे अगर और एक आगे कदम अगर और स्टेप जाओगे तो आपके डोमेन बढ़ जाता है, आपका स्पेस बढ़ जाता है काम करने का। तो वही मेरे लिए एक ड्राइव रहा कि आप अगर ग्रेटर ऑडियंस के लिए, ग्रेटर लोगों के लिए काम करना, ग्रेटर थोड़ा ज्यादा मेरा मैसेज यही रहेगा कि ड्रीम कीजिए, एस्पायर कीजिए। जब तक आपकी ड्रीम नहीं होगा, आप एस्पायर नहीं करोगे, तो आप कैसे किसी चीज को पाओगे? तो एक मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप ड्रीम कीजिए, एस्पायर कीजिए और उस पर काम कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, हर किसी चीज में, हर किसी फील्ड में, चाहे टीचिंग जॉब हो, मेडिकल प्रोफेशन हो, इंजीनियरिंग हो, किसी चीज में भी आज इतना डोमेन बढ़ चुका है काम करने का, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं एज ए कंट्री, तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे जो भी चुने, जो भी पैशन आप चुने, उसको पैशनेटली फॉलो कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। यूपीएससी के लिए मैं यही कहूँगा, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पढ़ना है, आपको हर चीज़ पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो जानकारी होना जरूरी है।